नमस्कार, एक नई सुबह के साथ हम फिर से हाजिर हैं और हम वैसे वैसे मुद्दे लाते हैं जो आने वाले परीक्षाओं में वो क्वेश्चन के रूप में सामने आते हैं, उसी में शुरू करते हैं। तो आज हम मुख्यतः चार तत्वों पर ध्यान देंगे। उसमें पहला क्या है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO। यह क्यों? क्योंकि 2020 में इसके मंत्रिपरिषद, ये जो समिट होता है, इसका जो मीटिंग होता है या बैठक होता है, वो कहाँ होगा? भारत में होगा, एक नंबर। दूसरा, दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली, दादरा नगर हवेली का मर्जर किया जा रहा है। ये दोनों यूटी हैं और इन दोनों यूटी को एक यूटी बनाया जा रहा है। तीसरा, कल 26 नवंबर थे, तो 26 नवंबर क्या क्या था? एक संविधान दिवस था और दूसरा भारत में दूध दिवस मनाया जाता है। तो इन्हीं सब बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले शंघाई सहयोग संगठन। तो ये शंघाई सहयोग संगठन का मैप है। इस मैप से क्या समझते हैं? इसमें जो ब्लू रंग में है, डार्क ब्लू में, वो इसके मेंबर हैं। वहीं ऑब्जर्वर स्टेट ये है, कौन कौन है? एक है मंगोलिया, है जो काई रंग का है, मंगोलिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है और एक बेलारूस है। वहीं डायलॉग पार्टनर में कौन सा हुआ? तो डायलॉग पार्टनर में है इसके, यहाँ पर नॉर्थ, भारत के पूर्व। देखिए तो भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में है कंबोडिया। नमस्कार, एक नए सुबह के साथ हम फिर हाजिर हैं और हम वैसे वैसे तथ्य को लाते हैं जो आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो शुरू करते हैं, तो कौन है? तो SCO। तो SCO से क्या खबर आ रही है? तो SCO से खबर आ रही है कि आगामी मंत्रिपरिषदीय जो इसका मीटिंग होता है, यानी कार्यकारी मीटिंग, वो कहाँ होगा? तो भारत में होगा। तो देखते हैं क्या है। तो ऐसी एक सामान्य चीज़ नहीं है ये, कहा जाए तो एक तरह का मिनी संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्योंकि इसके बहुत से अंग हैं, इसके बहुत सारे काम हैं। इसमें एक रेट्स का नाम हम लोग सुनते हैं, रेट्स में मतलब क्या होता है? ये एंटी टेरर सैन्य एक्सरसाइज होता है। उसमें भारत पाकिस्तान, ऐसा दुनिया पहली बार हुआ है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों साथ साथ भाग लेते हैं। तो वही इसके कुछ मेंबर स्टेट हैं, जो मेंबर स्टेट कौन है? 8 हैं। उसी के बाद इसमें कुछ ऑब्जर्वर स्टेट होते हैं, डायलॉग पार्टनर हैं, गेस्ट अटेंडेंस है। इसे आगे वो देखते हैं, जैसे पहले 5 था इसमें, तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजिकिस्तान। तो इसका नाम था इसका बिग 5। उसके बाद 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? SCO। और 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हो गए थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यही है, देखिए इधर इसके मेंबर स्टेट। तो मेंबर स्टेट कौन हुआ? तो चाइना कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सब क्या है? ये सब मेंबर कंट्री हैं। वहीं ऑब्जर्वर में कौन है? तो ये अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है, मंगोलिया है। हेलो, हाँ, तो डायलॉग पार्टनर में कौन है? तो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड तुर्की है। और गेस्ट अटेंडेंस कौन कौन है? इसमें आसियान है, तुर्कमेनिस्तान है, CIS। CIS क्या है? एक स्वतंत्र राष्ट्रकुल देश है। एक कैसा राष्ट्रकुल देश है? जो सुनी हम जानते हैं हम लोग, पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ 1991 में टूट जाता है, तो इसके बाद नए नए 12 देश बने थे, उन सभी ने आपस में मिलकर एक संघ बनाया था। उसका क्या नाम था? तो राष्ट्रकुल। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेलारूस, जो बेलारूस की राजधानी मिस्क में। और इसके एक गेस्ट में था UN, संयुक्त राष्ट्र संघ भी है, और एक तुर्कमेनिस्तान है, जो वो ये लाल वाला दे छोटा सा है, ये इसका पार्ट नहीं है तुर्कमेनिस्तान। क्लियर है, तो देख लीजिए, ये बड़ा वाला है, ये कजाकिस्तान है, ये भारत से यहाँ पर एक सटा हुआ देश है। तो भारत से सटा हुआ कौन है? ये ताजिकिस्तान है यहाँ पर, और उज्बेकिस्तान ये लंबा इधर है, एक छोटा सा देश है। और वहीं किर्गिस्तान इधर, यहाँ यहाँ पर किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के बीच क्या है? तो अड़ोसी हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इसका 20वां शंघाई सहयोग संगठन की बैठक है, बिश्केक, यानी किर्गिस्तान के राजधानी बिश्केक में हुआ था, और इंडिया उसमें फुल मेंबर बना था। और अगला कहाँ होगा? अब तो भारत में होगा। तो वो समिट था, समिट में राष्ट्राध्यक्ष लोग जाते हैं, वहीं उसके बाद एक और बैठक होता है जिसमें कार्यकारी प्रमुख जाता है। तो वो कहाँ होगा 20वां? तो 2020 वाला भारत में होगा, यानी उसको कहा जाता है मंत्रीय परिषद बैठक। तो आगे बढ़ते हैं,
ये बार बार एग्जाम में आते हैं, याद कर लीजिए। तुर्कमेनिस्तान, तो इसकी राजधानी कहाँ है? ये अशखाबाद है। तो ये तुर्कमेनिस्तान जो है ना, ये एसईओ का पार्ट नहीं है, अशखाबाद। ताजिकिस्तान, इसकी राजधानी दुशांबे। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी बिश्केक। कजाकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? जो नूर सुल्तान, पहले इसका राजधानी था अस्ताना। वहीं उज्बेकिस्तान, तो इसकी राजधानी ताशकंद, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक स्थिति में मौत हो गई थी। और यही है, देखिए ये जो पहले वाला ग्राफ है, पहले वाला ये है, तो इसी में है कि ये बीसवा कहाँ होगा? रसिया में होगा। तो इसमें राष्ट्र प्रमुखों का ये बैठक होता है। तो बस बीसवा कहाँ होगा? रसिया में। और पहला कहाँ हुआ था? तो पहला शंघाई में हुआ था। और ये बगल वाला है, ये बड़ा सा, तो ये इसमें देखिए ये भारत में होगा। भारत में कहाँ? 2020 में होगा। इससे पहले कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। तो ये मिनिस्ट्रियल है, यानी इसमें प्रधानमंत्री जाएंगे, जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो जाएगा, और ये राष्ट्राध्यक्षों का होता है। चलिए शुरू करते हैं। एससीओ, यह एक अंतर, यह अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्य कार्य यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन को एक आधार देना है, जिससे इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखा जा सके। तो यहाँ शब्द आता है यूरेशियन। यूरेशियन क्या है? यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया के मध्य का देश, यानी जिसको हम कहते हैं मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कौन भाई? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देश हैं। ये जब 1991 के बाद आज़ाद हो गए, तो ये अस्थिर है, इनमें स्थिरता नहीं थी। और ये भी खतरा था कि अमेरिकी प्रभुत्व तो कहीं इस पर हावी ना हो जाए, इसलिए अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस तथा इन कजाकिस्तान आदि देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। और वो क्या कहलाया पहले? वही पहले 5 के नाम से, G5 था। तो आगे देखते हैं। 2020 में भारत एससीओ के शासन प्रमुखों की परिषद का आयोजन करेगा। क्लियर है? एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। जो एसईओ चार्टर 2002 में हस्ताक्षर किया गया था, उसी आधार पर इसका गठन हुआ। चार्टर यह इसका एक संवैधानिक दस्तावेज है, जो इस संगठन को लक्ष्यों और सिद्धांतों आदि का पालन करने तथा संरचना और प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो अब जो नॉर्मल सी बात है, रूस और चीन प्रमुख हैं, तो ये भाषा भी रूसी चीनी है। गठन 2001 में हुआ था, जिसमें इसके 5 सदस्य थे। कौन थे? तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, जिसका नाम था पहले शंघाई 5। उसके बाद 1996 से क्यों गठन हुआ था? तो वही सीमा विवाद के लिए। 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के साथ ही इसका नाम एसईओ हो गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्य देश का दर्जा मिला था। वर्तमान में वही कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान सदस्य हैं। वही पर्यवेक्षक देश में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। वार्ताकार है साझेदार देश है अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका है। और इसका लक्ष्य लक्ष्य वही जो होता है सभी संगठनों का, कुछ अच्छा करना है, जैसे सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मजबूत करना। ये किसी भी निबंध में लिखा जा सकता है। राजनीतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि में संबंधों को मजबूत करना, संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना तथा सुनिश्चितता प्रदान करना, एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नौ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। और इसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी हैं, जो मैनुअल है, जैसे भारत चीन के बीच में पंचशील बना था, और इसी तरह सीखा भी है। देखते हैं क्या है, तो वही अच्छे अच्छे बात होंगे। तो पारस्परिक विश्वास, आपसी लाभ, समानता, आपसी परामर्श, सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान और समान विकास की अवधारणा पर आधारित नीति, कितने बड़े बड़े शब्द हैं। गुटनिरपेक्षता, किसी तीसरे देश को लक्ष्य न करना और उदार नीति पर आधारित बस बाह नीति। गुटनिरपेक्ष यानी नैम, नैम क्या था? वो नेहरू जी का देन है। तो नैम में वही था कि हम न चीन के साथ जाएंगे, नहीं हम रूस के साथ जाएंगे, नहीं हम अमेरिका के साथ जाएंगे, हम अलग रहेंगे, हमारी अपनी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। तो वो तो नैम तो नहीं रहा, लेकिन नैम के आधार पर इसका भी एक मार्गदर्शक है, को सुनने में और कहने में तो अच्छा है उसका सिद्धांत। और इसकी संरचना, ये संरचना देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह लगता है। राष्ट्र प्रमुखों की परिषद, यह इसका सर्वोच्च निकाय है, जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है। तो इसका अब कहाँ होगा? इसका रूस में होगा, बिस्वान 2020 वाला। वहीं शासन प्रमुखों की परिषद, ये कहाँ होगा? तो भारत में होगा। इसके अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे तथा संगठन के बजट को मंजूरी प्रदान करती है। विदेश मंत्रियों की परिषद, यह सामान्य तीनों से संबंध रखने वाले कार्यों पर डे टू डे का कार्य करती है। क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, ये राइट है, इसमें RATS, ये आतंकवाद विरोधी
इसका कोई अधिनाम नाम है, कारण क्या है? तो आतंकवाद के खिलाफ इसमें सैन्य का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि हम मिलकर, कौन कौन, तो भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस आदि मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। ये भी नाम बना है, आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद, चरम पंथ से निपटने में, ये निपटने के मामले देखता है। सुन लीजिए, इसमें अलगाववाद, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, इन सब देशों में तो अलगाववाद जैसे हो ही नहीं, वही लोग बात कर रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन सचिवालय, यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, यानी एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 2008 से अफगानिस्तान में स्थिरता लाने का प्रयास कर रही है। तो अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस चल रहा था, तो कौन, तो वही एससीओ के माध्यम से हो रहा था। तो इसमें भी कुछ कमियां था जिसके कारण सफल नहीं हो पाया है। क्या था? ये लोग जो अफगानिस्तान की सरकार है उसको नहीं मानते थे, भारत इसमें बाहर बाहर से ही रहता था, तो जो नहीं सफल हो पाया। आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार के लिए अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंदर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के लिए 20 वर्ष के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ये कोशिश करते हैं कि आपस में मुक्त व्यापार हो। इसी के कारण एक नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर बन रहा है, जो मुंबई से पहले ईरान जाएगा, ईरान में जो चाबहार पोर्ट है वहाँ से होते हुए मॉस्को तक जाएगा, वो भी इसी का एक अंग है, इसके लिए काम होता है। इसका महत्व देखिए, तो वैश्विक जनसंख्या का 40% वहीं वैश्विक जीडीपी जीडीपी का 20% तथा कुल विश्व के भूभाग का 22% भाग इसके अंतर्गत आता है। यह मध्य एशिया को नियंत्रित तथा अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने में सक्षम है। एससीओ को उत्तर अटलांटिक संगठन नाटो के समकक्ष के रूप में जाना जाता है, और इसके पास चुनौतियाँ भी ढेर हैं। कैसे? एससीओ की समक्ष सुरक्षा चुनौतियों में आतंकवाद, ये उग्रवाद है, अगर नहीं उग्रवाद, अलगाववाद का मुकाबला करना प्रमुख है, मादक पदार्थों का तथा हथियारों की तस्करी को भी रोकना प्रमुख है। क्यों? क्योंकि भारत के पश्चिम में इसको कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट, वहाँ पर अफगानिस्तान है, ईरान है और मध्य एशिया के देश आते हैं, उसमें बहुत सारे ड्रग्स का तस्करी होता है। वहीं भारत के पूर्व में गोल्डन गोल्डन क्रिसेंट है, यानी त्रिभुजाकार है, गोल्डन ट्रेंगल है वो, तो वहाँ पर भी जैसे म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आदि देश आते हैं, इन सब में भी ड्रग्स का अवैध तस्करी होता है, जो ये इन सब देशों के लिए समस्या का विषय है। अवैध प्रवासन की रोकथाम, तो जान देख रहे हैं आजकल कितना एक देश से दूसरे देश में लोग पलायन करते हैं। भौगोलिक रूप से निकटता के बाद भी संगठन के सदस्यों के इतिहास, पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रीय हित व संपन्नता तथा सांस्कृतिक विविधता आदि के से इसके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। रूस, रूस का अपना कल्चर है, चीन एक अलग ही है, भारत है, और भारत पाकिस्तान दोनों धर्म के नाम पर अलग देश बने हुए हैं, इसलिए भी इसमें विविधता है। यह इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, सही बात है, आबादी के हिसाब से तो सबसे बड़ा है। इसमें भारत का स्थान चीन और रूस के पास आता है, इसलिए भारत भी इसमें प्रमुख साझेदार है, क्योंकि तीसरा सबसे बड़ा है भारत। यह भारत के लिए मध्य एशिया से अपने पुराने रिश्ते को जोड़ने का एक अवसर भी उपलब्ध कराता है, क्योंकि मध्य एशिया के देश हैं जो खनिज के मामले में बहुत ही सब स्वर्गुण संपन्न कहा जाए, जैसे कजाकिस्तान के पास में यूरेनियम है, वहीं तुर्कमेनिस्तान के पास में बहुत सा गैस का भंडार है, बहुत सभी देश के पास कुछ कुछ है ही, और आबादी कम है, भारतीयों के लिए वहाँ पर जाने का एक अच्छा अवसर है। यह भारत के ऊर्जा जरूरत को भी पूरा करने का क्षमता रखता है। तापी पाइपलाइन जो लंबे समय से रुका हुआ है उस पर काम शुरू करने तथा IPI यानी ईरान पाकिस्तान और भारत पाइपलाइन को भी पूर्ण कराने में मदद कर सकता है। तो तापी क्या है? वही तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत है, चार देश से होने वाला था, इसमें भी विवाद है, और इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, इसमें समस्या है कि सबके बीच में अफगानिस्तान आता है, जिससे सुरक्षा और आतंकवाद संबंधी खतरा है इन सब प्रोजेक्ट पर, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके लिए एक अच्छा मौका है कि इसमें बात किया जाए। एससीओ एक विशाल आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, जिसमें भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय तथा फार्मा उद्योग के लिए एक बाजार के रूप में भी उपलब्ध है। एससीओ के माध्यम से भारत को अपने पुराने तथा विश्वसनीय मित्र जैसे रूस, वहीं चीन प्रतिद्वंद्वी दुश्मन चीन तथा पाकिस्तान से वह चीन और पाकिस्तान जैसे चीर प्रतिद्वंदियों के साथ साझा मंच प्रदान करता है। इसमें भारत को पाकिस्तान तथा चीन के मध्य अपना बात रखने या बात करने का भी एक सुनहरा मौका मिलता है।
RASTF रेड्स के देख रहे हैं। यह एक आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास है जो प्रत्येक वर्ष की किया जाता है। इसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। यह पहली ऐसी व्यवस्था है जिसमें भारत और पाकिस्तान के सैनिक साथ साथ अभ्यास करते हैं। 2019 में यह कहाँ हुआ था? तो ताशकंद में हुआ था। ये तो हो गई, हम लोग लड़ रहा है कि एसीओ से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए। उसका देखते हैं, कल 26 नवंबर था। 26 नवंबर क्या था? संविधान दिवस। तो संविधान दिवस मतलब संविधान कौन बनाया था भारत में, ड्राफ्टिंग किसने किया था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को यह पूर्ण हुआ था। उस दिन ही ये कुछ हद तक लागू कर दिया गया था। इसी की याद में संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, अर्थात 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक हुआ था। उसी दिन से शुरू हो गया। उस दिन पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरे दिन, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को इसके कौन पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे? तो पहले इसके कौन अस्थायी अध्यक्ष बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के। और इन सब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इस भारत के संविधान को बना डाला। कहा जाता है कि बहुत समय, अधिक समय लगा, कोई लोग कहते हैं कम समय लगा, क्योंकि बहुत सारे देश जैसे श्रीलंका, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस सबके संविधान देखते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तित हो चुका है, लेकिन भारत का संविधान तो अभी वही जस का तस है। तो कहा जा सकता है कि संविधान भारत का एक अच्छा बना है। और उसका देख दूसरा है, 26 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण है? कि भारत में इसको दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन वर्गीस कुरियन का नाम जानते होंगे, जिन्हीं के कारण भारत में ऑपरेशन फ्लॉट है के भारत में पितामह कौन है? तो वर्गीस कुरियन है। क्योंकि इन्हीं के कारण आज भारत में उन्नत नस्ल की जो गायें हैं और भारत जो दूध के लिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है। तो किस चीज़ में? तो ऐसे तो भैंस में है, लेकिन कुल मिलाकर तो भारत ही दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो किसके कारण है? तो वर्गीस कुरियन की, इसमें परमाणु इनका प्रमुख देन है। इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मभूषण पद्मश्री भी मिल चुका है। तो ये जानने वाली बात थी। और एक घटना है जो इसके अगले वाले वीडियो में लूट करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।